अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप साहब। और मैं आपके सामने एक नया करेंसी नोट लेकर आया हूं जिसे पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने इशू किया है। ये करेंसी नोट जो है ये 75 रुपये का यानी 75 रुपीज़ का है। अच्छा, आप ये याद रखें कि ये जो करेंसी नोट है ये यादगारी करेंसी नोट है। यादगारी यानी जिसको इंग्लिश में कोमेमोरेटिव करेंसी या कॉइन्स या नोट की सूरत में इसको जाना जाता है। अच्छा यार, एक और चीज़ है, ये जो करेंसी नोट है ये अभी 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 जो है ना स्टेट बैंक ने इसको इशू किया है, लेकिन इस तरह के जो नोट्स होते हैं, इस तरह की जो करेंसी होती है, वो जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट बैंक है, वो सिर्फ एक दफ़ा इशू करता है। बाकी तो करेंसी हर साल इशू होती है, जैसे 50 का नोट, 100 का, 1000 का, वो तो हर साल इशू होता रहता है। लेकिन जो इस तरह के नोट हैं, जो यादगारी नोट होते हैं, वो स्टेट बैंक जो पाकिस्तान का है वो सिर्फ एक दफ़ा इशू करता है। इसकी वजह से जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। तो आज ये मेरे पास ये जो है ना, ये मुझे जो मिला है करेंसी नोट। अच्छा, इसके बारे में थोड़े से फीचर्स जानते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि इसमें क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले यहाँ पर 75 रुपीज़ लिखा हुआ है, ये यानी कि असल में जो स्टेट बैंक है ये अपनी 75वीं जो आप कह रहे हैं एनिवर्सरी, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उस वजह से उसने 75 रुपीज़ का ये नोट इशू किया है। उसके बाद देखें यहाँ पे जो है ये बिल्डिंग है, ये स्टेट बैंक की बिल्डिंग है। अच्छा, ये काफ़ी इसमें कैलीग्राफी को शो किया हुआ है, यानी जो बिल्डिंग नज़र आ रही ना आपको, ये स्टेट बैंक की बिल्डिंग है, लेकिन इसके ऊपर ना कुछ ऐसी लिखाई हुई हुई है, ये शायद अरबी ज़बान में कुछ लिखा हुआ है, कुछ ना कैलीग्राफी, ये इस तरह की डिज़ाइनिंग हुई है, ये थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लगा। और एक और जो मेन चीज़ है, आप अगर ध्यान से देखें तो देखें ये राइटिंग जो है, ये जो लिखा है ना, ये थोड़ा न्यू स्टाइल है। पहले इससे पहले जितने भी करेंसी नोट इशू होते रहे हैं वो उनकी राइटिंग थोड़ी सी सिंपल रही है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसकी जो राइटिंग है जो थोड़ी सी यूनिक है, थोड़ी डिज़ाइनिंग मतलब इन्होंने की हुई है। इसके बाद ये जो 75 रुपये जहाँ पर आपको जो नज़र आएगा, ये इसमें शाइनिंग है, मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा करें तो इसका आई थिंक कलर भी शायद थोड़ा चेंज होता है। तो इस हिस्से में जो है ना, आप इसको अगर स्क्रैच करें ना नेल से तो आपको फील होगा ये इसमें शाइनिंग है। इसके अलावा यहाँ पे कायदे आज़म की ये ट्रांसपेरेंट तस्वीर बनी हुई है, ऊपर ये अरबी में जो है ना ये डिजिटल बना हुआ है, ये 75 का। और अब देखें यहाँ पे जो गवर्नर हैं, इस वक्त जो गवर्नर हैं वो गवर्नर बैंक दौलत पाकिस्तान के जो हैं वो जमील अहमद हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जैसी बैक साइड देखें तो ये मुझे जो है ना थोड़ी सी ये चीज़ न्यू लगी है। इससे पहले जितने भी करेंसी नोट हैं उसके ऊपर देखें कायदे आज़म की तस्वीर होती है, लेकिन इस नोट की जो बैक साइड है ये उनकी सिस्टर हैं, कायदे आज़म की सिस्टर जो है ना फातिमा जिना, ये इनकी जो सिस्टर हैं कायदे आज़म की, ये इनकी तस्वीर लगी हुई है। इससे पहले मैंने नहीं कोई ऐसा पाकिस्तान का करेंसी नोट देखा जिसके ऊपर फातिमा जिना की तस्वीर हो। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो है ना ये जो विंड एनर्जी है, ये जो हवा की मदद से जो बिजली बनाते हैं, ये इसका एक मॉडल पेश किया हुआ है। और नीचे ये देखें ये सोलर एनर्जी, यानी ये विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को ये यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, यानी कि नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से जो बिजली बनाने वाले जो सिस्टम है उसकी तरफ जो है तवज्जो दी जा रही है। और यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है मालियाती इर्तका व तरक्की के 75 साल, यानी स्टेट बैंक जो अपनी जो 75वीं सालगिरह मना रहा है, आप कह लें एनिवर्सरी जो भी, तो ये उस यादगार में ये यादगारी नोट जो है ये इसको इशू किया गया है, क्योंकि स्टेट बैंक का जो इफ्तिताह है वो 1948 में हुआ था। और इस वजह से ना ये नोट मुझे, अच्छा एक और चीज़ है जो सबसे जो इंटरेस्टिंग मुझे लगी है, देखिए इससे पहले जो जो 75 रुपये का नोट आया था करेंसी नोट, उसकी निस्बत ना मुझे इसका जो पेपर है, मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ना अच्छी लगी है, यानी इसमें एक शाइनिंग है। इसको अगर आप यहाँ पे स्क्रैच करें, जैसे जैसे थोड़ा रब करें, तो इसकी जो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी, मैं बेहतर लगी है, थोड़ा सा शाइनिंग ऐसे जैसे है, तो पेपर नोट है लेकिन ये क्वालिटी वाइज ना मुझे अच्छा लगा, कलर भी और डिज़ाइन भी मुझे ना काफ़ी ये जो है ना बेहतर लगा है। तो ये तो था एक यादगारी नोट। अभी बहुत सारों को शायद इसके बारे में नहीं पता होगा, मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि इसके फ़ीचर्स क्या हैं। इसी तरह आपको मैं मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो जो है ना आपके सामने लेकर आता रहूँगा।
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को वॉच करें, उनको लाइक करें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूं। शुक्रिया।